दोस्तों, कर्ण की कवज्र कुंडल को अभेद्य माना जाता है तथा ऐसा भी कहा जाता है कि कवज्र कुंडल कर्ण के शरीर का अविभाज्य अंग था। बाकी कुछ लोग ये लॉजिक को अस्वीकार करके तीन मुख्य कारण बताते हैं। सर्वप्रथम, कर्ण जब गुरु परशुराम से शिक्षा ग्रहण करने जाता था तब वह कवच कुंडल को निकालकर एक साधारण ब्राह्मण के भेष में जाता था। अगर कवच कुंडल के साथ जाता तो गुरु परशुराम पहचान लेते और कर्ण को कभी भी शिक्षा प्रदान नहीं करते। दूसरा, इंद्रदेव द्वारा कवच कुंडल मांगने पर कर्ण कवच कुंडल को शरीर से निकाल कर दान में दे दिया था। अगर कवच कुंडल इतनी शक्तिशाली था तो एक साधारण चाकू से कैसे कटा। तीसरा, आजकल टीवी सीरियल में एक बात दिखाई जाती कि जब भी कर्ण को कोई खतरा महसूस होता है तब कर्ण कवच कुंडल को आवाहन करके अपने शरीर पर धारण कर लेता है।